अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम आयशा शबीर। टुडे आवर सब्जेक्ट इज जनरल साइंस, यूनिट नंबर 5, एनिमल्स, जानवर। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ह्यूमन बॉडी और प्लांट्स के बारे में बताया था, आज मैं आपको एनिमल्स, जानवरों के बारे में बताऊंगी। एनिमल्स आर आल्सो लिविंग थिंग्स। एनिमल्स लिविंग थिंग होते हैं जैसे प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स होते हैं। एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट साइज, एनिमल्स के भी मुख्तलिफ साइज होते हैं। एनिमल्स ब्रीथ, मूव, ईट एंड ड्रिंक। एनिमल्स भी जो है सांस ले सकते हैं, चल सकते हैं, खा सकते हैं और पी सकते हैं, और ये अपनी औलाद को आगे बढ़ाते हैं, उनकी पैदाइश भी करते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स करते हैं। एनिमल कैन बी डोमेस्टिक और विल्ड। एनिमल जो है घरेलू और जंगली होते हैं। मैनी एनिमल्स लिव ऑन अर्थ। कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि ज़मीन पर रहते हैं। सम लिव ऑन लैंड, कुछ ज़मीन पर रहते हैं जैसे कि कैमल, एलिफेंट वगैरह। एंड सम लाइक फिश लिव इन वाटर। और कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि पानी में रहते हैं जैसे कि मछली। सम इंसेक्ट लिव इन ग्रास एंड मैनी कैन फ्लाई। कुछ कीड़े ऐसे हैं जो कि ग्रास यानी कि घास में रहते हैं। एंड मैनी कैन फ्लाई, और बहुत से ऐसे हैं जो कि उड़ सकते हैं जैसे कि बटरफ्लाई। बटरफ्लाई एक इंसेक्ट है जो कि उड़ती है। इसके अलावा चींटी भी एक इंसेक्ट है जो कि उड़ती नहीं है, वो सिर्फ ज़मीन पर चलती है। बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन ट्रीज। बर्ड्स जो हैं परिंदे घोंसलों में घोंसला बनाते हैं दरख्तों पर। एनिमल लिव इन डिफरेंट प्लेसेस एंड इन डिफरेंट वेज। एनिमल जो हैं डिफरेंट प्लेसेस में और डिफरेंट जगहों पे रहते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया फिश जो है वाटर में रहती है, जबकि कैमल वगैरह जो हैं वो जमीन पर रहते हैं। इनके स्पेशल बॉडी पार्ट्स होते हैं। एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू हेल्प देम लिव। एनिमल जो हैं उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, डिफरेंट उनके जिस्म के हिस्से होते हैं जो कि उनको जिंदा रहने में मदद करते हैं, फाइंड फूड और खुराक को ढूंढने में एंड मूव और चलने में। जी, एनिमल्स के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो कि इन्हें जिंदा रहने, अपना खाना तलाश करने और हरकत करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई। परिंदों के विंग्स होते हैं उड़ने के लिए, परिंदे परों के जरिए उड़ते हैं। दे हैव बीक टू कैच वर्म्स एंड ईट ग्रेन एंड सीड्स। जी, उनकी बीक, उनकी चोंच होती है कि वो वर्म्स को और कीड़े मकोड़ों को पकड़ें और दाना वगैरह पकड़ें। जैसे कि ये एक मैंने परिंदा बनाया है, इसकी एक बीक है जिसके जरिए ये खाना तलाश करते हैं, खाना खाते हैं और वर्म्स वगैरह या कीड़े मकोड़े खाते हैं, और इनके विंग्स होते हैं जिनकी मदद से ये उड़ सकते हैं। ये थे बर्ड्स। नेक्स्ट है एनिमल्स। डक्स एंड फ्रॉग्स हैव वेब फीट टू हेल्प देम स्विम। जी, डक्स और फ्रॉग के वेब्ड फीट होते हैं। ये देखिए, ये फीट जो इनके हैं ये चिपटे हुए हैं, इनके वेब्ड फीट हैं, तो ये इनको स्विमिंग करने में, तैरने के लिए मदद देते हैं। डक और फ्रॉग जो है इनको तैरने के लिए मदद देते हैं। इसके अलावा जिराफे है द लॉन्ग नेक। जिराफे की जो गर्दन है वो लंबी होती है। इट कैन ईट द लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज। वो दरख्तों के पत्ते खाते हैं, लंबे लंबे दरख्तों को के वो पत्ते खा सकते हैं, जबकि छोटे जानवर जो हैं जैसे कि दूसरे जानवर जो छोटे होते हैं, बकरी जैसे कि बकरी, वो लंबे लंबे दरख्तों की पत्ते नहीं खा सकते, लेकिन जो जिराफा है वो लंबे दरख्तों के पत्ते खा सकते हैं। जी, जी मैंने आपको पहले बताया था इनके कुछ जानवरों के स्पेशल बॉडी पार्ट्स होते हैं जो कि दूसरे जानवरों के बॉडी पार्ट्स नहीं होते। यहाँ पर मैंने कुछ बॉडी पार्ट्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगी, जैसे कि हम्प जो है वो सिर्फ ऊँटों में पाई जाती है। ये जो बॉडी पार्ट है ये सिर्फ ऊँट में पाया जाता है कि इनके ऊपर जो इनकी कमर होती है, कोबर जो होता है वो निकला होता है, उसको हम्प कहते हैं। टेल
अब हर जानवर की टेल नहीं होती, जैसे कि इंसेक्ट्स की टेल नहीं होती, लेकिन फॉक्स वगैरह की टेल होती है। एंटलर सींग, हर एक के सींग नहीं होते, जैसे कि कैमल, मैंने भी आप लोगों को एग्जांपल दी, कैमल, कैमल का हम्प होता है लेकिन एंटलर नहीं होता। लेकिन इसके अलावा जो बारह सिंह होता है उसके सींग एंटलर होते हैं, उनके हम्प नहीं होते। बीक, और हर परिंदे की बीक होती है यानी कि चोंच होती है। फर, कुछ परिंदे जानवर ऐसे होते हैं जिनके फर होते हैं, जैसे कि शीप। टीथ, टीथ तकरीबन हर जानवर में होते हैं। ट्रंक, ट्रंक सिर्फ एलिफेंट में होती है। सूंड सिर्फ एलिफेंट में होती है, इसके अलावा किसी में सूंड नहीं होती। और ट्रंक यूज होती है किसी चीज को पकड़ने के लिए, खाने की पीने के लिए। हॉर्न, हॉर्न भी सींग को कहते हैं, ये छोटा सींग होता है। एंटलर जो होते हैं वो बड़ा सींग होते हैं, और हॉर्न जो है वो छोटा सींग होता है, जैसे कि गेंडा, इसके जो सींग होते हैं वो छोटा सा होता है। फीदर, पर, कुछ जानवरों के पर होते हैं जैसे कि मोर एंड फिन, और फिन जो है सिर्फ मछली का ही बॉडी पार्ट है। ये थे स्पेशल बॉडी पार्ट्स जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, जो कि थे हम, टेल, एंटलर, बीक, फर, टीथ, ट्रंक, हॉर्न, फेदर, फिन। नेक्स्ट है विल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट एंड जंगल। वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर होते हैं जो कि जंगल और फॉरेस्ट में रहते हैं। मैनी वाइल्ड एनिमल्स ईट प्लांट्स, बहुत से वाइल्ड एनिमल ऐसे हैं जो कि प्लांट खाते हैं। सम ईट अदर एनिमल्स, और कुछ जानवर जंगली ऐसे होते हैं जो कि दूसरे जानवर खाते हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल। मगरमच्छ जो है वो दूसरे जानवरों को खाता है। आगे स्कैवेंजर्स सच एज द हाइना, वाइल्ड डॉग एंड वल्चर ईट डेड एनिमल्स। हाँ जी, स्कैवेंजर्स जो हैं कुछ जानवर ऐसे हैं जो परिंदे जो हैं वो जंगली कुत्तों, गिद्ध और मुर्दा जानवरों को खाते हैं। जी, ये ऐसे जानवर हैं, ऐसे परिंदे हैं जो कि गिद्ध, वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड डॉग, जंगली कुत्तों और मुर्दा जानवरों को खाते हैं। ये थे वाइल्ड एनिमल्स। और अब कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनको कहते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं पालतू जानवर जिनको हम घरों में पालते हैं। सम एनिमल्स कैन बी टेम, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको हम घरों में पालते हैं। दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स, उनको हम घरेलू जानवर कहते हैं। सम लिव इन ओवर हाउस एज पेट, कुछ हमारे घरों में रहते हैं पेट के तौर पर, जैसे कि डॉग, काउ, पैरट, कैट एंड गोल्डफिश। कुछ पेट्स अदर कैट आर फार्म्स, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि फार्म्स में रहते हैं। दे हेल्प अस इन मैनी वेज, और वो हमारी मुख्तलिफ किस्म तरीकों से मदद करते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, यानी कि इसके आगे बताऊंगी। पेट्स, पेट्स होते क्या हैं? पेट्स आर आवर फ्रेंड्स, पेट्स जो हैं हमारे दोस्त होते हैं। एंड दे आर यूजफुल टू, और वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। कैट्स टेक अवे माइस, कैट जो है वो चूहों को भगाती है, ऐसा ये काम होता है कैट का, बिल्ली का, कि वो चूहों को भगाती है। सम डोमेस्टिक एनिमल गिव अस मिल्क, कुछ घरेलू जानवर, पालतू जानवर हमें मिल्क देते हैं, दूध देते हैं, जैसे कि काउ एंड गोट। जी, गायें और बकरी से हमें दूध हासिल होता है, गोश्त हासिल होता है, और इनके जिल्द से हम मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बना सकते हैं। मैनी पीपल ईट फ्लैश ऑफ दीज एनिमल, फ्लैश मतलब गोश्त। कुछ लोग जो हैं इन जानवरों से गोश्त हासिल करते हैं, जैसे कि शीप और हेन, फिश वगैरह। दीज एनिमल्स आर बर्ड्स, आगे मैंने बर्ड्स का टॉपिक दिया है। दीज एनिमल्स आर बर्ड्स, ये कुछ बर्ड्स हैं जो कि हमें अंडे देते हैं, जैसे कि हैं, डक और गूस। ये जानवर, ये बर्ड्स हैं, ये जानवर ऐसे परिंदे हैं जो कि हमें अंडे देते हैं। हैं के अंडे हम, मुर्गी के अंडे जो हैं वो हम खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि हमें सिल्क, वूल,
फर और लेदर देते हैं। इसकी एक एग्जांपल है सिल्क वर्म, सिल्क स्कार्फ। सिल्क वर्म से हमें स्कार्फ मिलता है, स्कार्फ जो हम सिल्क का लेते हैं, गर्ल्स जो पहनती हैं वो। काओ गाय से हमें लेदर की जैकेट मिलती है, काओ की जिल्द से हमें लेदर की जैकेट हासिल होती है। शीप से हमें वुलन स्वेटर हासिल होता है, यानी कि शीप की जो फर है उसका जो ऊपर का जिल्द है ऊपर की, उससे हमें वुलन का स्वेटर हासिल होता है। आगे कंसेप्ट चेक की तरफ मैं जाऊंगी, उसके बाद बेबी एनिमल्स कौन कौन से हैं। आगे हमारा कंसेप्ट चेक, जिसमें हमारे कंसेप्ट देखे जाते हैं। अ डैश एनिमल इज वन डैट इज केयर्ड फॉर एंड यूज्ड बाय ह्यूमंस। वो कौन से एनिमल हैं जो कि इंसानों की काम आते हैं और हमारी हिफाजत करते हैं। टेम या विल्ड, टेम कहते हैं पालतू जानवरों को और विल्ड कहते हैं जंगली जानवर। आप लोगों को पता है विल्ड एनिमल जो होते हैं वो डेंजरस होते हैं, खतरनाक होते हैं, जबकि टेम एनिमल डेंजरस नहीं होते, वो घर के पालतू जानवर हैं जो कि हमारी हिफाजत करते हैं। तो इसका आंसर है टेम। नेक्स्ट है पेट्स एंड डैश एनिमल्स आर टेम एनिमल्स। पेट्स और कौन से एनिमल्स हैं जो कि पालतू जानवर है। विल्ड एनिमल्स, विल्ड तो जंगली जानवर होते हैं जो कि सिर्फ जंगलों में रहते हैं, और डोमेस्टिक एनिमल्स घरेलू जानवर जो हैं वो ही होते हैं टेम एनिमल्स। इधर आएगा डोमेस्टिक। नेक्स्ट है डैश कैन बी यूज टू पुल कार्ट्स। कौन सी चीजें जो है भारी चीजें उठाने के लिए इस्तेमाल होता है, कौन सा जानवर, हॉर्सेस या माइस। माइस चूहों को कहते हैं, चूहे भारी चीजें नहीं उठा सकते क्योंकि वो खुद छोटे से होते हैं। इसका आंसर है हॉर्स। हॉर्स जो है वो चीजों को पुल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, हॉर्सेस। ये था हमारा कंसेप्ट चेक। आगे हम आते हैं बेबी एनिमल्स पे। नेक्स्ट है हमारा बेबी एनिमल्स। मैनी एनिमल्स है बेबीज डैट लुक लाइक देम। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके बेबीज जो है उनकी तरह के ही होते हैं, जिनकी शक्ल जो होती है वो अपने पेरेंट्स के जैसे ही होती है। अदर एनिमल्स डू नॉट लाइक देयर पेरेंट्स। दूसरे जो जानवर हैं उनकी जो शक्ल है वो पेरेंट्स से नहीं मिलती। फ्रॉग्स एंड फिश ले एग्स वो इन वाटर। मेंढक और मछलियाँ पानी में अंडे देती हैं। बेबी फिश आर कॉल्ड फ्राई। बेबी फिश, फिश के बच्चे को फ्राई कहते हैं। बेबी फ्रॉग्स आर कॉल्ड टैडपोल। फ्रॉग के बच्चे को टैडपोल कहते हैं। दे डू नॉट लुक लाइक देयर पेरेंट्स, और वो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखते। जी, फिश और जो फ्रॉग के बेबीज हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखते, जबकि दूसरे एनिमल स्वैन एंड साइजेनेट जो है वो अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, यानी कि हंस का जो बेबी है वो हंस से मिलता है। बियर एंड कब, बियर का जो बेबी है कब वो भी अपने पेरेंट्स से मिलता है। हॉर्स एंड फोल, हॉर्स घोड़ा वो भी अपने, घोड़े का बेबी भी अपने पेरेंट यानी कि हॉर्स से मिलता है, जबकि फ्रॉग एंड टैडपोल अपने पेरेंट से नहीं मिलते। फ्रॉग जो है, टैडपोल जो है वो फ्रॉग से चेंज होता है। नेक्स्ट है हमारा फिर कंसेप्ट चेक, ये आप लोग की बुक में है। मैच द अडल्ट विद देयर यंग, उसमें आपने उनके बच्चों के बारे में बताना है। स्वैन, स्वैन का बेबी है साइजेनेट, इसको आपने उसके साथ मिला देना है। फ्रॉग का बेबी होता है टैडपोल। बियर का बेबी होता है कब। कैट का बेबी होता है किटन। फिश का बेबी होता है फ्राई। हॉर्स का बेबी होता है फोल। ये थे हमारा कंसेप्ट चेक। नेक्स्ट अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। इसकी एक्सरसाइज की तरफ हम आ रहे हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर। इसका हमने करेक्ट आंसर बताना है। विच ऑफ दीज वुड बी यूजफुल फॉर अ विल्ड एनिमल डैट ईट डियर। वो कौन सा जंगली जानवर है जो कि डियर को खाने जाए तो उसके अंदर कौन सी एबिलिटी होनी चाहिए। द एबिलिटी टू रन फास्ट, तेज दौड़ने की। द एबिलिटी टू मूव क्वाइटली,
अराउंड तक उससे पहुंचने की लार्ज क्लॉज एंड टीथ, उसके क्लॉज पंजे और टीथ जो है वो बड़े होने चाहिए ऑल ऑफ अबव जी। आपको पता है डियर तेज दौड़ता है, उसके लिए जो जंगली जानवर ने जिसने शिकार करना है उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो तेज दौड़े, और जब उस तक पहुंचे तो वो आराम से उसके पास जाए, उसके दांत और पंजे भी तेज होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, जिसकी वजह से वो एक बड़े से डियर को जकड़ सके। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज कैन कम फ्रॉम हेन, इसमें से कौन सा जो मुर्गी के अंदर से निकलता है, मीट गोश्त एग, एग वो चीज है जो मुर्गी के अंदर से निकलती है, फेदर एंड मिल्क नो, विच ऑफ दीज एनिमल इज स्कैवेंजर्स। हाँ जी, मैंने आप लोगों को स्टोरी में भी बताया था इसका आंसर वल्चर है, गिद्ध जो है वो स्कैवेंजर है, हॉर्स भी नहीं है, बियर भी नहीं है, वल्चर है और टाइगर भी नहीं है। विच ऑफ दीज हैव वेब्ड फीट, ये भी आप लोगों ने सारी इसमें पढ़ा है लेसन में, डब के जो है वेब्ड फीट होते हैं, पंजे वाले पाँव होते हैं, बियर के भी नहीं होते, फिश के भी नहीं होते एंड गोट के भी नहीं होते। विच ऑफ दीज इज अ वाइल्ड एनिमल, विच ऑफ दीज इज अ वाइल्ड एनिमल जो है जंगली जानवर, इनमें से कौन सा है, हॉर्स, हॉर्स जो है वो पेट एनिमल है, किटन कैट का बेबी भी पेट एनिमल है, बियर, बियर जो है वो वाइल्ड एनिमल है, शीप, शीप भी फार्म एनिमल है, ये वाइल्ड एनिमल वाइल्ड एनिमल नहीं है। नेक्स्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज में, वी गेट सिल्क फ्रॉम, हम रेशम की, रेशम किससे हासिल करते हैं, सिल्क फॉर्म से, मैंने आप लोगों को उसमें भी बताया था सिल्क फॉर्म से हम सिल्क के स्कॉफ भी यूज यानी कि इनसे लेते हैं सिल्क फॉर्म से। नेक्स्ट है अडैश इज केप्ट एज अ पेट, कौन सा ऐसा जानवर है जो कि पालतू है, इट कैचेस माइस जो कि चूहों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, कैट, कैट जो है वो चूहे पकड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। वी गेट वूल फ्रॉम, हम वूल कहाँ से हासिल करते हैं, शीप से। फ्रॉग्स एंड फिश आर सिमिलर बिकॉज दे बोथ दे ले डैश इन वाटर, फिर फ्रॉग और फिश जो है वो सिमिलर है एक जैसे, क्योंकि दोनों कहाँ क्या देते हैं, पानी में एग्स देते हैं, अंडे देते हैं। नेक्स्ट उन्होंने फ्रॉग्स के बारे में हमसे पूछा है, फ्रॉग्स के बारे में ये एमसीक्यूज हैं, इनमें हमने चूज द करेक्ट आंसर लिखना है। अ फ्रॉग लिव इन, फ्रॉग जो किधर रहते हैं, एयर में, वाटर में या लैंड एंड वाटर, पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी, लैंड एंड वाटर। इट हैज डैश लिम्स, उनके कितने लिम्स हैं, 2, 4 या 6, उसके 4 लिम्स हैं। इट स्किन इज, उनकी स्किन कैसी होती है, ड्राई एंड स्केली या बम्पी एंड वेट, बम्पी और वेट, गीली गीली होती है। इट्स डैश एंड नेक, उनकी नेक होती है, एक हैज़ अ नेक, इट डज नॉट हैव अ नेक, इट डज नॉट हैव अ नेक, उनकी नेक नहीं होती, मेंढक की नेक नहीं होती। इट ईट्स डैश, वो मक्खियां खाते हैं या घास, इट ईट्स फ्लाइज, वो मक्खियां खाते हैं। इट्स डैश, वो हिसिस करते हैं, क्रॉक्स करते हैं, स्क्रीचिस, क्रॉक्स, इनके बाद क्रॉक्स की तरह निकलती है। बेबी फ्रॉग और कार्ड, बेबी फ्रॉग को क्या कहते हैं, फ्राई या टैडपोल, टैडपोल कहते हैं। अगला है नेम द फॉलोविंग, इनके हमने नाम लिखने हैं। एन एनिमल विद द हम्प ऑन इट्स बैक, उस एनिमल का नाम लिखना है जिसके बैक पर हम्प होती है, कैमल, कैमल के बैक पर हम्प होती है। एन एनिमल विद हॉर्न्स, कौन सा एनिमल है जिनके सींग होते हैं, डियर, डियर के सींग होते हैं। एन एनिमल विद क्लॉज, किसके पंजे होते हैं, डॉग, डॉग के पंजे होते हैं। एन एनिमल विद टस्क, किसके, कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके लंबा नुकीला दांत होता है, एलिफेंट, एलिफेंट का आपको पता है लंबा सा नुकीला सा दांत होता है। एन एनिमल विद फर, किसके फर होते हैं, फॉक्स का भी फर होता है ऊपर स्किन के और रैबिट का भी।
नेक्स्ट है मैथ्स दी कॉलम पेज नंबर 38 पर लुक एट दी पिक्चर ऑन पेज नंबर 33 एंड मैथ्स दी फॉलोइंग. ट्रंक, ट्रंक क्या काम करती है? फॉर ग्रेस्पिंग, ब्रीथिंग एंड प्रोड्यूसिंग साउंड. वो ट्रंक जो है एलिफेंट की होती है, वो गिरफ्त पकड़ने के लिए किसी चीज को, सांस लेने के लिए और आवाज निकालने के लिए पैदा होती है. फर, फर आपको पता है फॉक्स और रैबिट के होते हैं, ये कीप फॉर कीपिंग वार्म, गर्म रखने के लिए यूज होते हैं, अपने आप को गर्म रखने के लिए फर यूज होते हैं. फिन, फिन मछलियों की होती है, फॉर स्लाइडिंग थ्रू द वाटर इजीली, वो पानी में आसानी से तैर सके इसके लिए इनको फिन की जरूरत होती है. हॉर्न सींग होते हैं, जैसे कि डियर के सींग है, फॉर बैलेंसिंग ऑन ब्रांचेस, शाखों को बैलेंस करने के लिए उनके हॉर्न्स होते हैं. टेल फॉर फाइटिंग, टेल जो है बिल्ली की, डॉगी की लड़ने के लिए इस्तेमाल होती है. आगे उन्होंने कुछ जानवरों के नाम दे दिए. उन्होंने कहा है कि कौन से जानवर जो है पानी में रहते हैं, कौन से पानी में नहीं रहते. लिजर्ड, लिजर्ड जो है वो पानी में नहीं रहती, छिपकली जिसे कहते हैं. रैबिट, खरगोश भी पानी में नहीं रहता. गोल्डफिश, सुनहरी मछली जो है वो पानी में रहती है. बटरफ्लाई, वो भी पानी में नहीं रहती. टैडपोल पानी में रहता है. मेंढक का बेबी जो है वो पानी में ही पैदा होता है, पानी में ही रहता है. ईल, ये भी पानी में रहती है, समुद्री जानवर है. क्रैब की, क्रैब भी पानी में ही रहता है. व्हेल, वो भी पानी में रहती है. स्कॉर्पियन, बिच्छू, वो पानी में नहीं रहता. सी हॉर्स पानी में रहता है, समुद्री घोड़ा. ऑक्टोपस भी पानी में रहती है, रहता है. लॉबस्टर, झींगा, वो भी पानी में रहता है. रैट, चूहा पानी में नहीं रहता. ओरंगटन, इंसान नुमा बंदर है, ये भी पानी में नहीं रहता. जैकल, गीदड़ भी पानी में नहीं रहता. शार्क पानी में रहती है. स्नेक पानी में नहीं रहता. फ्लाई, मक्खी भी पानी में नहीं रहती. नाइट एंगल भी पानी में, यानी कि बुलबुल भी पानी में नहीं रहता. और सेंटीपेड यानी कि खनखजूरा पानी में रहता है. जी मैं एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कौन सी चीज़ पानी में रहती है, कौन सी नहीं रहती. जो पानी में रहती है वो है गोल्डफिश, टैडपोल, मेंढक का बेबी, ई, क्रैब, वेल, सी हॉर्स, ऑक्टोपस, लॉबस्टर, शार्क एंड सेंटीपेड. जो पानी में नहीं रहती वो है लिजर्ड, रैबिट, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, रैट, ऑर्गेंटन, जैकल, स्नेक, फ्लाई एंड नाइट एंगल. ये वो है जो कि पानी में नहीं रहती. इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़.